आज मैं आपको बता रहा हूँ यूज ऑफ अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, यानी इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग कीजिए। तो आपके लिए क्या करना है, तो आप यहाँ ये लिस्ट देखिए, इस लिस्ट के अनुसार आप है ना चेंज करेंगे तो ये आपसे बन जाएगा, कोई कठिन नहीं है। जैसे ये हमने लिख दिया हटाएं और परिवर्तित करें, तो क्या करना है, वाक्य में ये आपके लिए दिखाई दें जहाँ पर भी तो इनको हटा दिया करें। पहले डू नॉट, ठीक है, डज नॉट, डिड नॉट और हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट। तो जब डू नॉट आप हटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, जब आप डज नॉट हटाएंगे तो क्रिया में ऐसे यस जोड़ना है, जब आप डिड नॉट हटाएंगे तो क्रिया का दूसरा रूप लिखना है, यानी सेकंड फॉर्म लिखना है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट हो तो केवल नॉट हटाना है। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और इनके बाद नॉट आता है तो केवल नॉट हटाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को नहीं हटाते हैं। अब आप देखिए जरा ध्यान से, तो ये आपकी कुछ एक्सरसाइज लिखी हुई है, तो इसमें हम अनलेस का प्रयोग कैसे करेंगे, तो आप लोग याद रखें जहाँ जहाँ पर भी इफ होगा उसको हटाकर अनलेस लिखते हैं। तो ये आपके लिए इफ दिखाई दे रहा है, इसको हम हटाएंगे तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, अनलेस, ठीक है। उसके बाद आपके जिस सब्जेक्ट है वो सेम टू सेम उतार दें, कोई परिवर्तन नहीं करना। फिर इसके अनुसार देखिए क्या करना है, इनको हटाना पड़ता है, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट और हेल्पिंग वर्ब के साथ में जो नॉट होता है। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये आपका डू नॉट है, तो इसको हम हटा देंगे। जब हम डू नॉट हटाएंगे तो क्या है, कोई परिवर्तन नहीं, यानी हम कुछ भी नहीं करना है। तो क्या लिखा उसके बाद, बर्खार्ड, तो ये आपका बर्खार्ड, और ये बेटा कॉमा का विशेष रूप से ध्यान रखना, कॉमा बहुत अनिवार्य है, ये कॉमा और उसके बाद जो वाक्य दूसरा है उसको सेम टू सेम उतार दे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना। यू विल नॉट सक्सीड, आप देखिए ध्यान से कितना सरल है, एक की जगह पे आप अनलेस लिखिए, डू नॉट हटाइए, फिर जैसा आपका पूरा का पूरा वाक्य जैसे कि तैसे उतार दीजिए, जहाँ कॉमा है उसका विशेष रूप से ध्यान रखकर कॉमा लिख दीजिए। चलिए अब आप दूसरा देखिए जरा ध्यान से, तो इफ को हटाकर हम क्या लिखेंगे, अनलेस, ये हमने लिखा अनलेस, ये आपका सब्जेक्ट ही, फिर आपको क्या करना है, ये लिखा है भाई आपका क्या, डज नॉट, अब आप डज नॉट जब हटाते हैं तो क्या करना, क्रिया में ऐसे ये जोड़ना है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए क्या है, गो है, तो गो में हम क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं ईएस, तो उसका कारण मैं अभी बताता हूँ। इसमें अपन ने क्या जोड़ दिया, ईएस, फिर क्या है आपका, देयर, उसके बाद कॉमा, और दूसरे वाक्य को हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसा है वैसे उतार दें, ही विल Not meet her, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है भाई, एक को हटा करके लिखना है unless we, ये हम क्या करेंगे, did not को हटा देंगे। जब आप did not हटाएंगे तो क्या करना है, क्रिया का दूसरा रूप लिखना है, यानी क्रिया को सेकंड फॉर्म में बदलना है। तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई, प्लेड, यानी कि हम इसमें क्या लगा देंगे, ईडी, ये देखो हमने सेकंड फॉर्म में बदल दिया, ठीक है। फिर क्या लिखा है, वेल, ये कॉमा, और फिर पूरा वाक्य जय की तय उतार दीजिए, बी वुड नॉट बिन डॉट। अब आप देख लीजिए यहाँ पे ईएस लगाने का नियम, ईएस कैसे लगाते हैं, जिन क्रियाओं के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ होता है, उन क्रियाओं के अंत में हम ईएस लगाते हैं, कैसे, जैसे अब ये देखिए इसमें गो है, गो के आखिर में क्या है, ई ओ है,
तो जब आपके लिस्ट में ओ लिखा है तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे ES। इसी प्रकार से ये देखिए क्या लिखा, सर्च, सर्च में आखिर में क्या है CH। यदि आपका CH लिखा हो तो क्या जोड़ते हैं ES। ये ES लगाने का नियम है।